और सर के सर जो यहाँ पर बैठा हुआ है ये मुंबई का सीन है, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर इस मेट्रो स्टेशन का नाम लिखा हुआ है और ये मेट्रो स्टेशन रियलिटी में मुंबई में एग्जिस्ट करता है। तो अगर ऐसे ही इस अनाउंसमेंट टीजर का हिडन डिटेल्स देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मिस्टिक फाइंडर की एक और नई वीडियो में। तो आप बिना किसी देर के बढ़ते हैं मिस्टिक नंबर वन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, तो कृपया इस वीडियो को अपने दिल पे या फिर अपना किडनी पे या फिर अपना हार्ट पे मत लेना। तो बढ़ते हैं मिस्टिक नंबर वन की तरफ। सीन में देखना इनका शर्ट का स्लीव यहाँ तक फोल्ड किया रहता है, लेकिन अगले ही पल में वो तो यहाँ पर आ जाता है। अब ये कैसे हुआ रे बब्बा। तो इस सीन में आप देख ही सकते हो कि ये सारा गंद इन कपड़े के नीचे छुपा रहता है, और जब हमारा एसआर के सर ये कपड़ा हटाता है तब इसके ऊपर से बहुत सारा धूल और पत्ता निकलता है। लेकिन वेट ए मिनट, ये जगह तो माउंटेन का है और माउंटेन में ज्यादातर पेड़ नहीं होते, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो इस सीन में इस घर के अंदर ये पत्तियां आया कहाँ से? सही पकड़े हैं। तो इस सीन में जब ये कबूतर यहाँ पर बैठता है तब तो यहाँ से कोई भी धूल नहीं उड़ता, लेकिन जब अगले ही पल में एसआर के सर यहाँ पर इसे रखता है तब तो यहाँ से धूल उड़ने लगता है। और उससे भी बड़ी मिस्टेक ये है कि इसर के सर ने इसे यहाँ पर रखा लेकिन धूल तो यहाँ से उड़ रहा है। वाह क्या सीन है। सीन में हमें ये कबूतर दिखाया जाता है और इसमें ध्यान से देखना इस कबूतर की पंख ऐसे उड़ रहा है जैसे कि घर के अंदर बहुत तेज हवा चल रही है, लेकिन दूसरे सीन्स में तो ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर कोई भी हवा नहीं चल रहा, तो इस कबूतर का पंख उड़े कैसे? और उससे भी बड़ी बात, कबूतर के लिए आइडियल टेम्परेचर है 15 से 22 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर तो चारों तरफ ही बर्फ है, मतलब टेम्परेचर काफी कम है। तो क्या इतनी कम टेम्परेचर में कबूतर जिंदा रह सकता है? तो आपको ये क्या लगता है वो आप नीचे कमेंट करके बताना। तो स्टार्टिंग की इस सीन में आप देख सकते हो कि इनके हाथ में कोई भी कपड़ा बांधा नहीं हुआ है, लेकिन अगले ही पल में इनके हाथ में तो ये कपड़ा बांधा हुआ रहता है। अब ये कैसा जादू है भाई। तो इस सीन में देखना ये जो वॉकी टॉकी है ना ये एसआर के सर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, लेकिन अगले ही पल में ये तो ऑटोमेटिकली सामने की तरफ मुड़ जाता है, और फिर अगले ही पल में ये वापस एसआर के सर की तरफ मुड़ जाता है। अब ये कैसे हुआ रे बब्बा। कंट्रोल कंट्रोल। सीन में देखना इनके दोनों हाथ की पोजीशन यहाँ पर है, लेकिन अगले ही पल में इनके हाथ तो यहाँ पर आ जाता है। ओ भाई मारो मुझे मारो। तो इस सीन में जब एसआर के सर गोली चलाता है तब ये बुलेट शेल निकल जाता है, लेकिन अगले ही पल में यहाँ पर तो फिर से बुलेट शेल निकल रहा है। ये जो बुलेट शेल निकला ये आया कहाँ से? हाँ भाई हाँ। तो इस सीन में देखना इनके हाथों में ये अंगूठी रहता है, लेकिन पहले तो इनके हाथों में कोई भी अंगूठी नहीं था, तो अब ये आया कहाँ से? तो इस सीन में देखना इनके शर्ट में जो ये चीज है ये इनकी राइट साइड में है, लेकिन यहाँ पर तो ये इनके लेफ्ट साइड में आ जाता है। तो अब ये कैसे हुआ रे बाबा। और ऐसे ही और भी मिस्टेक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।